नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉटरो हिंदी की एक नया एपिसोड पर आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया आलू का ग्राउंड रिपोर्ट करने आए हैं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी जिले की चलाव क्षेत्रों पे। चलिए यहाँ के किसान भाइयों से बात करके जान लेते हैं कि आज इस चलाव क्षेत्र में नया आलू का क्या भाव है, आलू की साइज कैसी है। साथ ही इन किसान भाइयों से बात करके पता करेंगे इस चलाव इलाके में आलू की खेती बाड़ी का हालचाल क्या है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज आलू संपर्कित सारी की सारी जानकारी हर दिन अपने स्मार्टफोन के जरिए पाने के लिए अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को आलू संपर्कित सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। और ये कौन सा आलू है आपका? ख्याति आलू है। और इसकी कैसी पैदावार है? पैदावार खूब बढ़िया है, अच्छी है। कितने कट्टे बीघे निकल रहा है ये? 50 से कम ना करे, ऊपर ना करे। 50 कट्टे से ज्यादा निकल रहा। और इसकी बिक्री कैसी हो रही है? बिक्री की कुछ मत पूछो, बिक्री है गड़बड़ा। नहीं, फिर भी क्या रेट बिक रहा है? 250 रुपये कट्टे बिक रहा है। और इसमें किसान को नुकसान है? 250 रुपये कट्टे में किसान बेच रहा है। नुकसान में है भैया, बहुत ज़्यादा लागत लग रही है। लागत अभी हमने और किसानों से बात की, वो बता रहे 8 से 10 हज़ार रुपये बीघे लग रही है। और जब किसान अपना खुद का बीज लगाता है उसके बाद 8 से 10 हज़ार रुपये बीघे की लागत आ जाती है। उस हिसाब से किसान को कीमत सही नहीं मिल पा रही। और ये आप यहीं बेचोगे या कहीं बाहर मंडी में ले जाओगे? कुराली मंडी में ले जाओगे। मंडी में क्या रेट बिक रहा? मंडी का ही तो भाव बताया है। मंडी को है। आपने जो भाव बताया था 200-250 रुपये मन का भाव बताया था। हाँ। नहीं, अभी हम कहीं जगह दूसरी जगह गए थे, वहाँ वो लोग कट्टे के हिसाब से खेत में ही बेच देते। हाँ। तो यहाँ कोई व्यापारी वगैरह खेत में नहीं आता आलू लेने के लिए? कम आता, बहुत कम व्यापारी आते हैं। और बाबू जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम होता है। और आपका नाम? संतोष कुमार। और आपका? राज। और आपके तरफ जो अभी बारिश हुई है उससे कोई नुकसान है आलू में? बस नुकसान तो ज़्यादा ना है, ये दवा लगाई है उसके वजह से बेल रुक गई। बस अब रुकी, 3 बार दवा डाली। और पिछली साल से जो बेल, पिछली साल तो सभी चली गई, 3 साल मतलब दवा के जोर से रुकी गई, दवा की वजह से इस साल बेल रुकी है। और पिछली साल चली गई सभी। और इस साल स्टोर भर सकते हैं या नहीं भर सकते? स्टोर तो कोई खाली ही ना रहे हैं। स्टोर सभी भर जाएंगे 100%। और आपके तरफ स्टोर का भाड़ा क्या लगता है? 120 से 25 रुपये कट्टे का लगता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया पोटैटो हिंदी से बात करने के लिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अंकित। और आप ये अभी किस क्षेत्र में हो? अभी मैनपुरी जिले के अलग क्षेत्र में है। अच्छा। और आप ये कितना आलू करते हो? लगभग 10-15-20 बीघा करते हैं। 15-20 बीघा। और ये लाल 15-20 बीघा करते हो, सफ़ेद कितना आलू करते हो? सफ़ेद करते हैं 30 के समथिंग, 25-30 के समथिंग। और लगभग 50 बीघा आप आलू करते हो? 50 बीघा टोटल। और स्टोर में कितना रखते हो आप? स्टोर में रखते हैं 1000 कट्टे। 1000 कट्टे। आपने आलू खुदाई कितनी कर दी है? आलू की खुदाई हो गई 15-20 बीघा। और क्या रेट निकल गया था? वही निकल गया था 300-250-300। और इससे किसानों को नुकसान भी है? किसानों को नुकसान तो है ही। कितना नुकसान होगा लगभग? करीब 30-40% नुकसान है। 30-40%। एक बीघा में लागत कितनी लग जाती है आपकी तरफ? 8 से 10 हज़ार। 8 से 10 हज़ार रुपये बीघा। और ये आपने जब बेचा था जो अपना आलू, कितने दिन पहले बेचा था? करीब हो गए 15-20 दिन पहले। में 15-20 दिन पहले सफ़ेद आलू खोदा था आपने? सफ़ेद भाट वाला। और वो आलू 250-300 रुपये कट्टे में बिका था लगभग? 250-300। और तो उसमें आपको जो लागत लगाई है, किसान ने मेहनत की है, उसके हिसाब से रुपए मिल पाए या नहीं मिल पाई? नहीं मिल पाए, उसके हिसाब से तो नहीं मिल पाए।
पैसे किसान को कितने रुपए कट्टे तक दाम मिलने चाहिए? पैसे 400-500 के कट्टे दाम मिलने चाहिए। कम से कम 400 से रुपए, कम से कम 400 रुपए कट्टे तो मिलना ही चाहिए किसान को। और आपके तरफ कितने परसेंट खुदाई हो गई होगी? अभी हो गई है करीब 50-60% खुदाई हो गई है। 50-60% खुदाई हो गई। और स्टोर में कुछ उम्मीद है रेट सही मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं? अभी तो देखो वो तो पता लगेगा जब सारी खुदाई हो जाएगी, उसके बाद में कितना कौन किसान स्टोर में डालता है, कितना कहाँ ले जाता है, देखिएगा कितना बेचेगा कितना स्टोर। जब जैसे अब 15-20 दिन बाद रिजल्ट पता, स्टोर खुल जाएंगे, उसके बाद पता लगेगा कितना रखेगा कितना बेचेगा। उसके बाद और लग जाएगा पूरा। ये आप अंदाज लगा सकते हैं पिछली साल की अपेक्षा इस साल आलू स्टोर में ज़्यादा पड़ेगा कम पड़ेगा? जैसे कि ज़्यादा की संभावना कम ही है, पर ज़्यादा की संभावना बहुत कम है, पर कम पड़ेगा पिछली साल से कम पड़ेगा। हाँ पिछली साल से कम। और ये जो सस्ता रहा है आलू, अच्छा जो अभी हम आपको जूम करके आलू दिखा रहे हैं, ये न्यू हॉलैंड आलू है। हाँ न्यू हॉलैंड है। तो ये आलू, ये भाई साहब है लाल आलू है, ये लगभग 25-30 बीघा न्यू हॉलैंड आलू करते हैं। तो आप ये जहाँ मंडी में ले जाते हो वहाँ क्या रेट चल रहा है आलू? वहाँ पे अभी तो चल रहा है वो 350-300 से मन चल रहा है कानपुर मंडी में, 300-350 रुपये मन। और आपने लाल आलू को अभी बिल्कुल खुदाई नहीं की? अभी नहीं की है। और ये आप स्टोर में कितना रखोगे लाल वाला? स्टोर में रखेंगे कम से कम 250-300 के कट्टे, 250-300 कट्टे लगभग। तो आपके यहाँ जो अभी बारिश हुई थी पाला और ये तुसार की वजह से झुलसा वगैरह कैसा लगा हुआ आपके यहाँ बेल में? अभी तो जैसे ही झुलसा पड़ा तो सारी बेल चली गई, जैसे कि दवा डाल दी तो उसमें से करीब 10-15% बेल बची हुई है। अभी हम आपकी जो बेल देख रहे हैं वो तो हरी भरी है, तो इसमें आपने कुछ अलग से सप्लीमेंट दवा वगैरह लगाई है इसमें? हाँ दवाई लगाई तभी तो ये रुकी पड़ी है, नहीं तो अभी तक तो चली जाती है। कितनी स्प्रे आपने इसमें की? 3 स्प्रे कर दी इसमें। अच्छा 3 स्प्रे आपने की तब बेल रोक पाई? हाँ बारिश के बाद एक कर दी, उससे पहले 2 की। और ये आप स्प्रे जो करते हो उसमें कितना खर्चा आ जाता एक स्प्रे में? उसमें आ जाता एक स्प्रे में आ जाता करीब 100-150 रुपये आ जाता एक बीघे। तो ये भी मेहनत करनी पड़ती है एक्स्ट्रा और भी खर्चा रहता है, बहुत सारा खर्चा आ जाता है। तो आपके क्षेत्र में लगभग बेल सभी खत्म हो गई है? सभी खत्म हो गई है, 10-20% बेल बची हुई है। और जो किसानों को रुपए मिल रहे जैसे कीमत नहीं मिल पा रही है, आगे कुछ उम्मीद है जो रेट सही मिल पाए या नहीं मिल पाए? वो तो बाद की बात है, जब जैसे कि पक्की सीजन कौन कितना रखता है कितना नहीं। नहीं जैसे अभी आप जब खुदाई करोगे, खुदाई के डायरेक्ट बाद स्टोर में ही रखोगे या कहीं मंडी में भी बेचोगे? अभी तो रेट जैसे सही मिल नहीं पा रहे किसान को, आप मंडी में जैसे खुदाई करने के तुरंत बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद आप मंडी ले जाओगे, अगर रेट क्लियर नहीं मिले तो आप क्या स्टोर में रखोगे माल? हाँ स्टोर में ही रखेंगे, जैसे ही सही रेट मिल रहे हैं तो स्टोर से बेच देता हूँ व्यापारी को। और वैसे खेत से बेचते हो यहाँ लोकल में किस मंडी में ले जाते हैं? कुराली मंडी में ले जाते क्या? कुराली हुई, एटा हुआ, एटा और कुराली। और ये आप स्टोर में जो रखते हो, स्टोर में भाड़ा कितना लगता है आपसे किराया? 120-125 रुपए तक भाड़ा लगता है स्टोर का। और ये जो किसान को सही कीमत नहीं मिल पा रही है, जो किसान मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? उसके बारे में कहना चाहेंगे जैसे कि इसका रेट फिक्स किया जाए कि इतना तो रहना चाहिए, इतने से कम नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा ही हो जाए। और आपकी इसमें न्यू हॉलैंड आलू में और सफ़ेद आलू में पैदावार कितनी है? जैसे न्यू हॉलैंड आलू करते हैं इसमें सफ़ेद से कुछ कम पैदावार रहती? हाँ इसमें न्यू हॉलैंड में कम पैदावार है, पर ये रेट की वजह से किया जाता है, जैसे रेट बढ़िया मिल जाए पर रेट बढ़िया मिल नहीं पाते हैं। और ये सफ़ेद से 150 रुपये कट्टे महंगा रहता है सस्ता रहता है? ये महंगा जाता है 150 रुपये। और जैसे रेट सही मिल जाए इसलिए आप ये करते हो? हाँ तो ठीक है, आपका इंडिया पोटैटो हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।